जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारना चाहते हैं बिना छुए, जो दलित हिंदू का रट लगाए पड़े हैं। मैं उन लोगों को बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूं बिहार में, अपने गांव में, और बिहार का सबसे पावन और महापर्व होता है छठ पूजा, जहां उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। अर्घ मतलब जल चढ़ाया जाता है। और मैं उन लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे छठ पूजा में दौरा, सूप, ये सब इस्तेमाल किया जाता है, और वो सब होता है एक डोम के हाथों बना हुआ। अगर वो डोम के हाथों बना हुआ नहीं होगा तो उसे शुद्ध नहीं माना जाएगा। हमारे यहाँ दीपक इस्तेमाल होता है, वो कुम्हार के बना हुआ। और तो और सूर्य भगवान की जो प्रतिमा बनती है, जो उनकी मूर्ति बनती है, वो मूर्तिकार भी कुम्हार ही होते हैं। सोचिए कि जब हमारा इतना बड़ा महापर्व, हम चार वर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों के बिना पूरा नहीं हो सकता, तो ये हमारा संसार कैसे पूरा होगा। और ये दो कौड़ी के कुछ नेता जैसे ओवैसी और सोएब जमाई जैसे लोग टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे आकर ये कहते हैं कि दलितों ने मुस्लिमों को सपोर्ट किया, मुस्लिमों ने दलित को सपोर्ट किया। दिक्कत तो ये हिंदू करते हैं, हमें दिक्कत तो इन तिलकधारी से है, ये भगवाधारी से है। तो मैं उन लोगों को बता दूं, उन हिजड़ों को ये बता दूं कि हम हिंदू और दलित अलग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों ने, इन जिहादियों ने और इन अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए, इन कुछ जो नेता है ना दो कौड़ी के, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर, जो कि महान थे, महान हैं और सदैव महान रहेंगे, लेकिन उनका नाम लेकर इन जो कुछ लोगों ने तमाशा किया है ना, दिक्कत इनकी है। हम हिंदुओं को इन लोगों ने अलग किया है। और हिंदुओं, तुम्हें अलग नहीं होना है, अभी भी समय है, अपने देश और धर्म के लिए खड़े हो, अपने देश और धर्म के लिए बचाओ। अभी बहुत जगह ये चीख चीख के कह रहे हैं कि मूर्तियों की पूजा मत करो, मूर्तियों की पूजा मत करो। किसे रोक रहे हो तुम? हमारे बिहार का सबसे पावन और महापर्व है छठ। जाओ किसी कुम्हार को बोलो कि तुम मूर्ति मत बनाओ, तुम छठ पूजा ना करो, वही तुम्हें काट के रख देगा। ये है हमारी पावर, हम हिंदुओं की पावर, जो इन मुगलों में नहीं है। और इस वजह से ये लोग तुम्हें हमसे अलग कर रहे हैं, हम हिंदुओं को हिंदुओं से अलग कर रहे हैं। सतर्क रहो, सावधान रहो। और एक बात, हम हिंदू, ये चार वर्ण जब तक एक नहीं हो, तब तक ना पूरी तरह से विवाह संपन्न होता है और ना ही पूरी तरह से श्राद्ध। तो इस बात को अपने माथे में डाल लेना कि हम हिंदू दलित नहीं, हम चारों हिंदू हैं, हम चारों वर्ण एक है। इसीलिए हम हिंदू दलित के नाम पे लड़वाना कटवाना बंद करो, वरना वाकई में जिस दिन इन लोगों को सच्चाई बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई, तुम कहां कहां भागोगे और कहां भाग पाओगे ना, इसका अंदाजा तुमको भी नहीं है। उन लोगों को ये छठ महापर्व सबसे बड़ा उन लोगों के लिए उदाहरण है। इसे देखें, समझें और किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हम साथ खड़े हैं, बस हमें चाहिए सपोर्ट की, एकता की। जय श्री राम, हर हर महादेव।